हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं शेख हमदान का ऑफिशियल चैनल दुबई 009। तो अब हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में, अरेबिक में, चाइनीज़ में, कई भाषाओं में अवेलेबल हैं। पूरे दुनिया में शेख हमदान चाहते हैं उनका चैनल पहुंचे। तो चीन से आए हुए ली कियांग से मिले शेख रशीद अल मक्तूम। ये देखिए कितनी गर्म जोशी से वो मिल रहे हैं। उसके अलावा पूरा परिवार इनसे मिला। जितने भी लोग बड़े लीडर्स हैं, टॉप रिप्रेजेंटेटिव हैं, सारे लोग मिले। UAE और चाइना में अच्छे संबंध है, इसलिए मीटिंग हुई। हाई डेलीगेशन यहाँ पर आया था। वैसे भी दुबई दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और शेख हमदान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो उसके अलावा शेख रशीद अल मक्तूम ने मीटिंग अच्छे से की। उसके अलावा इन लोगों की मेहमान नवाजी काफ़ी अच्छी है। शेख रशीद अल मक्तूम ने पूरी दुनिया में दुबई का नाम फैलाया है रेगिस्तान से, ये देखिए किस तरह उसको बदल दिया गया है। तो इनका बड़ा हाथ है। उसके अलावा लोगों से काफ़ी अच्छा मिलते हैं और बिजनेस के लिए सबसे अच्छा पूरे दुनिया में इस समय दुबई है, जहां पर कोई टैक्स नहीं लगता है। चाइना भी इनसे हाथ मिलाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। तो चीन ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग दुबई घूमने के लिए आते हैं और साथ ही साथ बिजनेस करने के लिए आते हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ के बिजनेसमैन आज दुबई में होना। उसके अलावा यहाँ की सेनाएँ देखिए किस तरह से इन्हें सलामी दे रही हैं। चाइना का भी झंडा लगा हुआ है, दुबई का भी झंडा लगा हुआ है। तो दुबई की यही खासियत है कि वहाँ सारे धर्मों का, सभी वर्गों का सम्मान होता है और सारे देश वालों को बराबर की इज्जत दी जाती है। देखिए किस तरह से चाइना के डेलीगेशन वालों को इज्जत दी जा रही है। तो शेख रशीद ऐसे ही नहीं, अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। देखिए जितने भी बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं सारे उनसे हाथ मिलाकर उनको खुश आमदीद कह रहे हैं। तो आप लोग दुबई का चैनल देखना पसंद करते हैं नहीं, कॉमेंट्स करके बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।